नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। अभी तक मुझे नहीं पता किसी ने ये किया है कि नहीं किया है, बट मैं हमेशा जो कंप्लेन करता हूं ना कि मेरे टाटा की जो गाड़ी है ईवी उसकी एसी कमजोर है या टाटा की एसी कमजोर है या कुछ, यार खाली बोलने से होता नहीं है, मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। सो ये वीडियो उसी लिए होने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो उसके एंड तक बने रहना, बिकॉज एंड में मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ बिफोर एंड आफ्टर का, भी क्लिप में जोड़ने वाला हूँ। सो गाड़ी में घुसते के टाइम क्या टेम्परेचर है, एसी ऑन करने के कितने देर बाद गाड़ी जाके केबिन जाके ठंडी होती है, वो आपको बताएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो हम चलते हैं गाड़ी के तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये जो गन है ना, ये नॉर्मल जो टेम्परेचर वाली गन होती है ये वही है जो हम इंफ्रारेड वाले जो होता है। तो इससे हम एक बार खाली टेस्ट कर लेते हैं कि बाहर का क्या तापमान है। ये देख लो, तो फील्स लाइक, चलो यही मान लेते हैं कि सरफेस पे 48.1 दिखा रहा है सेल्सियस, आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है ना। अभी हम गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि गाड़ी के अंदर पे क्या टेम्परेचर है। ऑलराइट, एंड एसी ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने जल्दी वो टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है। मज़ा आएगा गाइज इस वीडियो पे, तो बने रहना। पसंद आएगी तो उसे एक लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज मैं अपने हर वीडियो पे बोलता हूँ कि टाटा की जो एसी है वो उतनी मजबूत या उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये मैं आपके पास एक प्रूफ, समझ लो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना कि एक कंपैरिजन वीडियो पे लेके आऊँगा कोरियन कार्स, जापानीज कार्स एंड अदर कंपनीज आल्सो, इवन जर्मन कार्स लाइक स्कोडा एंड ऑल दोस थिंग्स, कि उसकी एसी कितनी जल्दी ठंडी करती है, तो बता देना कमेंट पे। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, विच आई एम ड्रेडिंग ऑलमोस्ट। ओ भगवान, चले देखें क्या टेम्परेचर है। 42.2 इनसाइड द कार। ओके, हम करते हैं कार को स्टार्ट। सो देयर यू गो, और आप सबको मैं ये भी बता दूं गाइस कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज लेके आ रहा हूं रिगार्डिंग ईवी हेल्थ टिप्स, ईवी यू नो चार्जिंग टिप्स, समर टिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल कि वो अपडेट्स आपको मिल जाए। चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आ गया रेडी का साइन। ओके, और करते हैं एसी को ऑन, और हम करने वाले हैं पूरा का पूरा इसको लो पर एंड ब्लोअर को फुल ब्लास्ट पर। ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट वंस अगेन 43.7 एंड टाइम हुआ है 136 हो ही रहा है टाइम, आप देख सकते हो। तो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग गाइस। मैंने भी जब ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो गए। तो आप बताना, मेरे को नहीं लगता है किसी ने अभी तक ये एसी वाला चीज ट्राई किया है, बट अगर किया है तो आप मेरे को बताना, और नहीं किया है तो यार इस बात पे लाइक जरूर कर देना वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। ओके, सो एसी से ठंडी हवा तो आ ही रही है। वंस अगेन मैं उसी जगह पे वापस से इसको ऑन करता हूँ, थोड़ा सा कमा है। ओके, एंड द एसी का जो है वो सबसे लोएस्ट पर है जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो आई एम होपिंग कि ये 24 के नीचे उतर के आए केबिन का टेम्परेचर। दिस इज कायदे से तो ये 18 के आसपास आ जाना चाहिए, बट हम देखते हैं कि कितना समय लगता है। मैं हमेशा अपने वीडियो पर दावा करता हूँ कि भाई 10 मिनट तो लगते ही हैं इस केबिन को ठंडा करने में टाटा की एसी, बिकॉज वो थोड़ी सी कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज ना थोड़ी सी वीक होती है, बट ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है और आपको दिखाना उससे ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट गाइस, तो समय हुआ है कुछ 142 अप्रोक्सीमेटली, कुछ चार पांच मिनट हुआ है। चलो फिर से ट्राई करते हैं 39.9। सो आप देख रहे हो कि लो पे होने के बावजूद ये कितना समय ले रहा है ठंडा करने का। तो मैं आपको बताते जाऊंगा, आप खाली वेट करो, वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितना समय लगा टेम्परेचर को नॉर्मल करने में इनसाइड दिस केबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप भी रिलेट करोगे ही करोगे।
इस वीडियो से। और मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं एक सॉलिड कंपेरिजन लाऊंगा विथ अकिया अश्कोडा एंड द टाटा, ओके, दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। यही सेम तरीका हम उसमें भी आजमाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी ने जो जान ले रखी है हमारी वो नेक्स्ट लेवल पर है। तो वो वीडियो लेकर आएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी गाइस। हम कोलैब फिर से करेंगे अक्षय और को और मैं। सो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। मैं और बताता हूँ और कितना समय लग रहा है, टाइम टू टाइम रेगुलर आपको अपडेट्स देता रहूंगा। चले भाई, कुछ 15 मिनट हो गए, ठीक है। वंस अगेन सेम टेस्ट, ये उतर आई है 35 पर। पीछे का देख लें, पीछे में उतर आई है 29 पर। तो ये आपके सामने स्पष्ट है कि सामने में भाई, अब ऐसा भी नहीं कि सामने में मोटर है, सामने में इंजन है, सामने मोटर है, वो गर्म भी नहीं करती है। एज आई सेड, मान लिया कि तापमान बहुत बहुत खतरनाक है, इट इज नॉट हेल्दी। 40+ डिग्री टेम्परेचर में हर एक गाड़ी, भले ईवी बोलो तो उसकी रेंज डिप कर रही है, कंबशन बोलो तो उसकी माइलेज डिप कर रही है, वो हो रहा है। बट अदरवाइज भी यार इतना समय नहीं लगता है, मेरे ब्रदर इन लॉ के पास किया है यार, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से भी ज्यादा लेती होगी वो गाड़ी केबिन ठंडा करने में। स्कोडा में बैठा हूं, फटाफट ठंडा करती है भाई। तो ये कंपैरिजन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल आई थिंक आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट, ओके। आई एम नॉट, अगेन दिस इज जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। ये अगर आप भी रिलेट करते हो तो ग्रेट है, नहीं रिलेट करते हो तो कमेंट में मेरे को बता दो कि यू डोंट अग्री विद इट, एंड आई विल कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैट। बट चलो चेक कर लेते हैं, 37.5। तो यार ये तो मेरे को, देखो अभी ब्लोअर के सामने लेके जाऊंगा ना तो 13.6, तो इसका मतलब ब्लोअर से हवा अच्छी ठंडी आ रही है, वो मैं अग्री करता हूं। देखो फिर से, ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, बट केबिन का क्या? यहां पर जो बंदा बैठेगा इसके चेहरे पर, ये देखो अभी 30 हो गया है, मैं अपने चेहरे पर फेस करता हूं, चलो ठीक है, 32। सो अराउंड 30-32 अभी पहुंच गया है इसका टेम्परेचर, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। वंस अगेन पीछे में अगर मैं देखूं तो पीछे में भी मोर लेस वही है। अगर केबिन फील की बात करो गाइस, जस्ट केबिन फील की, तो मुझे ठंड तो बिल्कुल अभी नहीं लग रही है, बट कुछ देर में, आधे घंटे में केबिन ठंडा हो जाएगा। बट आधा घंटा, कम ऑन, आधे घंटे में यार, आधे घंटे तक मैं क्या करूंगा, बैठे रहूं गाड़ी में, गर्मी गर्म फेस करूं। जो भी, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो मेरी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज, एज आई हैव बीन ब्लैबरिंग ड्यूरिंग माई वीडियो, कि आप एक लाइक कर दो, कमेंट छोड़ दो, बताओ मुझे, बिकॉज द होल पॉइंट इज कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन आप तक लेके जा रहा हूं तो या तो आप रिलेट करो, या तो दूसरे दर्शकों को आप ये बताओ कि आपकी गाड़ी क्या देती है। तो अगर आप किया चलाते हो या स्कोडा चलाते हो, वोक्सवैगन, कोई भी मारुति चलाते हो, आप बताओ आपकी, आपका एसी कैसा ठंडा करता है। बट मैं तो भैया टाटा की एसी को मैं बोलूंगा, दे रियली नीड टू वर्क अलॉट ऑन दिस। चलो साइन ऑफ करने के पहले एक बार और यहां देख लेते हैं टेम्परेचर। यहां पर तो और भी ज्यादा है, बिकॉज सन जो है ना, सन का डायरेक्ट शेड यहां पड़ रहा है। तो चलो यहां पर वापस यहीं पकड़ते हैं, चलो यहां पर, चलो 26.6 दिखा रहा है, दैट इज गुड, 31। तो थोड़ा इधर उधर करने में देखो कितना असर पड़ रहा है। बट एनीवेज, इससे तो मैं बोला शाम निकल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी ना गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिल रहा हूं आपसे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।